उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। यह उदाहरण थोड़ा ज़्यादा क्लिष्ट है। इस उदाहरण की खासियत यह है कि यह बहुत ही उपयोग में आने वाला परिणाम देता है और इसे प्रायिकता के क्षेत्र में इस प्रायिकता को एक प्रसिद्ध प्रायिकता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। इसको बोलते हैं जुआरी की बर्बादी की समस्या। तो हम ये देखते हैं कि दो जुआरी जिन्हें हमें ए और बी से इंगित किया है, एक सिक्के को लगातार उछालकर उसके परिणामों पर दांव लगाते हैं। तो सिक्के के हर उछाल पे यदि चित आता है तो ए एक इकाई बी को से ले लेता है, और यह इकाई कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कोई धन है या कोई अन्य चीज़। और यदि पट आता है तो ए एक इकाई बी को दे देता है। वे दोनों ऐसा ही करते रहते हैं जब तक कि किसी एक का धन खत्म नहीं होता। जब जुए के खेल में कोई दो खेलने वाले जिनको कि हम जुहारी कहते हैं, वो कुछ धन लेके खेल शुरू करते हैं, तो ये उस घटना का चित्रीकरण है। यदि हम माने कि सिक्के के क्रमिक उछालें स्वतंत्र हैं, जब भी सिक्का उछाला जाता है उसकी उछालें स्वतंत्र हैं उसके चितों पट आने की, तो प्रत्येक उछाल में चित आने की प्रायिकता अगर पी है, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि ए सारा धन जीत लेता है, माने ए और बी दो जुआरी कुछ धन लेके बैठेंगे और वो जो है कुछ दावों के बाद ए के सारा धन जीत लेगा। और जबकि यह मानना पड़ेगा कि ए और बी क्रमशः आई और एन माइनस आई इकाइयों से खेल खेलना शुरू करते हैं। तो हमने इसको ये मानते हुए कि कुल धन उन दो जुआरियों के पास था एन, और पहले जुआरी जिसको कि हम ए के पास आई है, तो दूसरी जुआरी के पास एन माइनस आई धन या जो भी इकाई होगी वह है। तो आइए इस समस्या का हल ढूंढते हैं। तो इस समस्या का हल निकालने के लिए हम मानते हैं कि ई उस घटना को दर्शाता है कि ए जुआरी ए सारा धन जीत लेता है जब वह आई इकाइयों से खेलना शुरू करता है और जुआरी बी खेलना शुरू करता है एन माइनस आई इकाइयों से। तो उस घटना को हमने ई मान लिया। अब इसके आगे हम यह देते हैं कि घटना ई की प्रायिकता को ए के प्रारंभिक संपत्ति की निर्भरता को दिखाते हुए हम इंगित करते हैं पी आई। तो प्रायिकता ई की जो है उसको इसमें, अगर प्रायिकता ई चुकी घटना में ये हमको पता नहीं है कि आपको ये तो विदित ही होगा कि अगर ए बी के बीच में इसे कुल जो है धन जो है वो एन है, अगर आई का मान ज़्यादा होगा तो ए बहुत ही जल्दी जीत जाएगा, जीत सकता है, और अगर आई का मान कम होगा तो उसे ज़्यादा दांव लगाने पड़ेंगे सारा धन अपने खुद में जीतने के लिए। तो इसलिए ये सब जो प्रायिकता घटना की होगी वो निर्भर होगी कि हम क्या मानते हैं कि ए कितने आरंभिक संपत्ति लेके या आरंभिक धन लेके इस खेल में भाग शुरू करता है। तो आइए अब यह जब हमने मान लिया तो हम देखें कि हम उस घटना की जब सिक्के में उछाल प्रथम उछाल जो है वो चित आता है, क्योंकि तभी खेल एक तरह से हम मानते हैं कि ए जीत सकता है, तो ए को एक इकाई मिलेगी अगर सिक्के के उछाल में चित आता है। तो हमने माना एच उस घटना को दर्शाता है कि सिक्के के प्रथम उछाल जब खेल की शुरुआत होती है तो उसमें चित आता है। उसका प्रायिकता क्या होगी उस घटना की, ए सारा धन जीत लेता है, कि इस बात पे कि पहली उछाल में सिक्के के चित आता है, तो इसकी प्रायिकता की गणना करें। तो यह एक सप्रतिबंध प्रायिकता होगी। यह प्रतिबंध किस बात का है कि सिक्के की पहली उछाल का परिणाम हमें पता है कि चित आता है, इसलिए ए जो भी एक इकाई जो है वो जुआरी बी से ले लेगा। तो यह प्रायिकता हम व्यक्त कर सकते हैं, अगर आप स्मरण करें कि हम सप्रतिबंध प्रायिकता के विषय में जब हम बात कर रहे थे तो हमने बताया था किसी भी घटना की प्रायिकता को हम व्यक्त कर सकते हैं घटना की सप्रतिबंध प्रायिकताओं के कुल व्यवस्थाओं से जो कि उस प्रतिदर्श समष्टि में संभव हों। यहाँ पे केवल दो ही घटनाएं हो सकती हैं, जीत और हार, या यहाँ पे चितोपट आना ही है। तो प्रायिकता ई की ए सारा धन जीत लेता है की होगी, और ये भी देखते हुए कि ए सारा धन जीत लेता है जबकि वह खेल शुरू करता है आई इकाई
धन से होगी कि जीत सकता है कि प्रायिकता की सप्रबंध प्रायिकता, जबकि परिणाम हमें पहले उछाल का पता है और पहले उछाल की उस प्रायिकता क्या होगी, सिक्के में प्रथम उछाल में चित आता है और इसकी पूरक प्रायिकता कि घटना ई या ए के जीतने सारा धन जीतने की प्रायिकता इस बात पे कि पहला परिणाम विपरीत आता है जो कि पूरक आता है घटना के जो कि सिक्के में उछाल के चित आने को थे तो इस चित्त में पट आता है और उसी तरह उस पूरक घटना की प्रायिकता से गुणन करके हम यह लिख सकते हैं प्रायिकता ई की प्रतिसंबंध प्रायिकता, जबकि हमें एक घटनाक्रम दिया जाता है जो कि पहले उच्च का उछाल है के परिणाम है इस प्रश्न में। तो इस प्रायिकता में जो घटक हैं उनकी प्रायिकता हम जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कि किसी घटना एच की होने की प्रायिकता, सिक्के उछाल में चिताने की प्रायिकता हमें दी हुई है प्रश्न में, उसका मान पी है। तो जो प्रायिकता होगी जो पूरक की, जिसको कि हमने प्रायिकता एच कॉम्प्लीमेंट लिखा है, सी लिखा है एच सी, वह प्रायिकता होगी एक ऋण पी और ये दोनों प्रतिबंध प्रायिकता है। तो ये प्रतिबंध प्रायिकता तो हमें पता नहीं है क्या है, तो इसका हम गणना आगे करेंगे। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि वह इच्छित घटना, जबकि हम ये जानना चाहते हैं कि ए सारा धन जीत लेता है, जबकि वह आई इकाई से खेलना शुरू करता है या गेम या खेल, तो उसकी प्रायिकता का हमने ये व्यक्त कर दिया। अब यह ज्ञात होने पे कि प्रथम उछाल में चित आता है पहले दांव के बाद ए के पास अब आई धन एक इकाई धन या जो भी होगा होगा उसके पास, और बी के पास पहले वो शुरुआत करता है आई एन माइनस आई से, तो वो हो जाएगा एन माइनस आई माइनस वन या एन माइनस आई प्लस वन इकाइयाँ, ये दोनों हो जाएंगे उसके पास क्योंकि पहले परिणाम की वजह से एक इकाई ए ज्वारी की बढ़ जाएगी और एक इकाई बी ज्वारी की जो आरंभिक धन था उसमें घट जाएगी। तो अगर हम ये ध्यान दें कि सारे सिक्के के उछाल जो है वो स्वतंत्र हैं, तो हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते रहे, चूँकि क्रमिक उछालें में चित आने की प्रायिकता समान रहती है जिसका कि मान पी है, और वो क्रमिक उछालें स्वतंत्र अगर हम माने तो यह इस प्रकार है कि उस पल जिसमें कि पहला दांव का परिणाम आ चुका है उसके बाद उस पल से ए के धन जीतने की प्रायिकता बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे कि खेल की शुरुआत हुई हो जब ए ने आरंभ किया हो खेलना आई धन वन इकाई धन से, और बी ने प्रारंभ किया हो खेलना एन माइनस आई माइनस वन धन से, चूँकि ये सब स्वतंत्र है। तो यहाँ पे हमने किसी प्रायिकता के परिणाम में स्वतंत्र होने की के सिद्धांत का इस्तेमाल किया और यह अनुमान किया कि अगर एक दांव हो जाने के बाद भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जो जहाँ तक समस्या की व्याख्या है वो यही उसमें जो थोड़ा सा बदलाव आता है कि ए और बी ज्वारी एक भिन्न मात्रा के आरंभिक धन से खेलना शुरू करते हैं। तो यह ज्ञान हमें इस प्रश्न में इस प्रायिकता को निकालने में बहुत मदद करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हमने यह देख लिया कि प्रतिसंबंध प्रायिकता होती है प्रायिकता अब जबकि ए के जीतने की प्रायिकता है जब वह आई धन वन इकाई धन से खेलना शुरू करता है, और ये इसकी जो पूरक प्रतिसंबंध प्रायिकता है उसका मान हो जाएगा पी आई माइनस वन। तो यह हम इस तरह से हम प्रतिबंध सप्रायिकता जो पूर्व पद में थी उसकी गणना कर लिया हमने, और इस तरह हम यह मानते हुए थोड़ा सा पदों को छोटा करने के लिए हम ये मान लें कि एक ऋण पी जो कि असफलता या पटाने की प्रायिकता है उसको अगर हम क्यू से इंगित करें तो हम जो प्रायिकता की गणना हमने करी है उसको हम एक छोटे रूप में लिख लेंगे जो कि हो जाएगी पी आई बराबर है पी गुणित पी आई प्लस वन धन Q गुणित पी आई ऋण एक, और यहाँ पे I का मान एक से लेकर n माइनस वन तक होगा। क्यों n माइनस वन तक होगा? क्योंकि कुल धन की संख्या n है। तो हम देख रहे हैं कि अब एक घटना का तो पहले दांव का तो हमको परिणाम पता है, तो अब n एक के पास
एन माइनस वन इकाइयाँ और आनी पड़ेंगी, तब वो सारा धन जीत जाएगा। तो अब हम इस परिणाम को लिखते हैं, समीकरण एक से इंगित किया, और इस समीकरण एक को देखते हैं कि इसमें कुछ परिसीमन प्रतिबंध लगाते हैं, क्योंकि ये जो पी आई है वो इंगित कर रही है ए के सारा धन जीतने की प्रायिकता, जहाँ आई बताता है कि ए कितना धन लेके शुरू हुआ। तो अगर हम आई का मान जीरो रखें तो ए के पूरे उसकी पूरा धन उसके पास आने की प्रायिकता शून्य इसलिए होगी, जब ए के पास कुछ धन ही नहीं होगा तो खेल ही शुरू नहीं हो सकता, तो ये ए के जीतने की प्रायिकता का मान शून्य हो जाएगा। इसी तरह हम एक और परिसीमन कर लें कि अगर ए एन इकाई धन लेके शुरू होता है गेम में बैठता है, तो चूंकि हमने ए इन दो जुआरों के बीच कुल धन की इकाइयों को स्थिर कर दिया है, तो अगर हम ये माने कि ए के पास एन इकाई धन है तो बी जुआरी के पास शून्य इकाइयाँ बचेंगी, तो ए तो बिना खेल के शुरू ही जीत जाएगा, तो या ए के पास सारा धन की प्रायिकता का मान एक या वो हमेशा ही सही होगी, तो उसका मान एक हो जाएगा। तो ये दो परिसीमन हैं इन समीकरण के, तो इन दो परिसीमन का हम इस्तेमाल करते इस प्रश्न के हल में ये दोनों परिसीमन हमारी मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे इन्हें हम आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इस बात का ध्यान रखते हुए, अगर आप देखें हमने जो पूर्व में दिखाया ये पद कि प्रायिकता पी आई को हमने ये इस तरह इंगित कर दिया। अब हम ये देखते हैं पी और क्यू एक दूसरे के ये पूरक घटनाएं हैं चित और पटाने की सिक्के के उछाल में पहली बार या कभी भी, तो ये किसी भी सिक्के में अगर चिताने की प्रायिकता अगर पी है तो और पटाने की क्यू है, तो क्यू धन पी इन दोनों प्रायिकता का योग जो होगा वो एक के बराबर होगा, चूँकि ये वो उसका प्रतिदर्त समिष्ट में सारी घटनाओं को इंगित कर रहा है। तो इस बात का ध्यान करते हुए कि पी धन क्यू एक के बराबर होता है, हम ये देख सकते हैं कि पी आई को हम जो कि इस समीकरण का बायां भाग है उसको हम लिख सकते हैं पी गुणित पी आई धन क्यू गुणित पी आई। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे पी आई को हम कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों पदों में से चूँकि बाहर निकाल लेंगे तो हमें पी धन क्यू जिसका कि मान है तो यह पूर्व में निकाले हुए समीकरण के बराबर है, तो अतः हमने इस समीकरण को इस तरह व्यक्त कर दिया। इस व्यक्त करने से हम इस समीकरण से एक श्रेणी बनाएंगे, रिग्रेशन बनाएंगे, जिसको कि हम आगे आपको दिखा रहे हैं। तो अगर हम ऊपर निकाले हुए पद को थोड़ा व्यवस्थित कर दें ऐसा कि अगर हम इसको पी से पूरे समीकरण को भाग दे दें तो आप देखेंगे कि यहाँ से पी ये पी गायब हो जाएगा और इसकी जगह यहाँ पे पी और ये पी नीचे आ जाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको व्यवस्थित करें पी आई धन एक ऋणित पी आई, तो हम उसको लिख सकते हैं दाएं तरफ का पद क्यू भागा पी गुणित पी आई ऋण पी आई ऋण एक। सो यह हम इस सारे पदों को व्यवस्थित करके पी से भाग करके कर सकते हैं, जहां आई का मान हमें पता है कि वो एक से लेके एन माइनस वन तक होगा, क्योंकि एक गांव हो चुका है, अब हमको कुल चूँकि धन की संख्यात्मक मान है वो एन है, तो एन माइनस वन ही परिणाम और या दांव और लगाने पड़ेंगे। इसको हम आगे के लिए मानते हैं यह समीकरण दो है। तो अब हम इस बात का इस्तेमाल करते हुए जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि परिसीमन एक परिसीमन जो था वो ये था कि पी शून्य का मान शून्य होगा। पी शून्य वह घटना को इंगित कर रहा है कि ए जीत जाएगा जब वह शून्य इकाई लेकर शुरू होता है, क्योंकि शून्य इकाई लेकर जीतने की संभावना ए की शून्य इसलिए होती है कि खेल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके पास धन ही नहीं है। तो इस तरह हम ये देख सकते हैं अगर हम पी शून्य का मान रखें, चूँकि हम जब आई का मान एक रखेंगे तो यह पद हमें दूसरा यह पद दिख रहा है यह एक्चुअली यह हमें पी शून्य के बराबर होगा, और पी शून्य का मान शून्य होता है, तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम आई का मान एक रखने पे हमें यह इस प्रकार प्राप्त होगा, चूँकि आई का मान एक है तो
बाईं तरफ के जो समीकरण में हमें दो पद दिए हैं वो हो जाएंगे पी टू ऋण पी वन बराबर क्यू बाई क्यू भागा पी, और अन्य दो पद होंगे पी वन पी एक ऋण पी शून्य, जहाँ पी शून्य का मान परिसीमन की जो हमने चर्चा की थी वो शून्य होता है। तो यह सरलीकृत हो जाएगा Q भागा P गुणित P1। अब आप देखिए जब हम I का मान दो रखेंगे समीकरण दो में तो हमें बाई तरफ मिलेगा P3 ऋण P2 जो कि I का मान दो है, और दाई तरफ मिलेगा Q भागा P P2 ऋण P1, और हमने पिछले पद का इस्तेमाल करते हुए क्योंकि P2 ऋण P1 होता है Q बाई P P1, तो इसको सरलीकृत करके Q भागा P के घात दो P1 हम इसे सरलीकृत कर सकते हैं। इसी तरह अब आपको समझ में आ जाएगा अगर हम अन्य मान I के रखें तो एक अन्य भी एक साधारण मान I का, जब I का मान एक I होता है तो वो A पद देगा, और जब I का मान n ऋण एक होगा तो उस पद में हमें ये अंतिम पद जो आपको दिखाई दे रहा है जिसमें कि घात जो q भागा p की घात होगी वह n ऋण एक हो जाती है। तो यहाँ ध्यान दीजिए pi जब है दाईं तरफ प्रायिकता का छोटे रूप में इंगित प्रायिकता हमारे इच्छित घटना की जिसमें कि a को सारा धन जीत लेना है, तो हमारे पास ये q भागा p के पद की जो घात होती है वो i ऋण एक है। तो यह एक समीकरणों का समूह प्रस्तुत करता है I के विभिन्न मान के लिए। आइए इस समूह को हम समीकरण का समूह तीन से इंगित करें जो कि हम आगे इसको पुनः इसको याद करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये समीकरण के समूह में अगर हम I पद को योग कर दें इन I पदों का तो आप देख सकते हैं कि दाईं तरफ के पद का विन्यास ऐसा है अगर हम प्रथम दो पद जोड़ते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास केवल P2 P3 ऋण P1 बचेगा क्योंकि यह P2 पद विपरीत चिन्ह के होने के कारण योग करने पे एक दूसरे को काट देंगे। तो अब हम देखते हैं इसी तरह अगर हम I पद जोड़ेंगे तो ये चूंकि विन्यास इसका इस तरह है तो हमें केवल पी आई ऋण पी एक ही मिलेगा, और इसी तरह हमारे पास जो दाईं तरफ है ये पद कटेंगे नहीं, ये इनका योग ही मिलेगा। तो अब हम इसी चीज़ को देखते हैं कि अगर हम समीकरणों के समूह जिसको कि हमने तीन से इंगित किया है में प्रथम n माइनस वन समीकरणों का योग अगर निकालें तो यह योग का फल होगा, माफ़ कीजिएगा I नहीं वो I माइनस वन पद की मैं बात कर रहा था, वो पद का मान होगा बाईं तरफ की जो पद होंगे वो होगा पी आई ऋण पी वन और बराबर पी वन, और यह आपको एक श्रेणी देगा एक ज्यामिति अनुक्रम देगा यो Q बाई पी में जिसमें कि आप I माइनस वन पद होंगे। तो इस तरह हमने यह प्रायिकता को एक संकुचित रूप में लिख लिया। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस ऊपर वाले पद में से चूँकि दाएं तरफ सब पी आई के संबंध में पद हैं तो अगर हम इस पी वन को अगर हम इस समीकरण में बाईं से दाईं ओर ले जाएं तो यह जो अनुक्रम मिलता है वो एक विशुद्ध ज्यामितीय अनुक्रम हो जाता है जिसमें कि आई पद हो जाएंगे जो कि आई ऋण एक पद दिए हैं तो कुल मिला के आई पद हो जाएंगे, और आई पद का किसी भी ज्यामिति अनुक्रम का योग आपका आपको पता ही होगा कैसे निकाला जाता है, तो वो योग हम लिख सकते हैं। तो और जब यह प्रायिकता का जो अनुपात है क्यू बाई पी अगर इसका मान एक होता है तो यह योग बहुत ही आसान हो जाएगा और उसे कुल I पद का योग के बराबर हो जाएगा क्योंकि I एक को हम I बार जोड़ेंगे तो हमें I प्राप्त होगा। अतः अगर जो ये अनुपात Q बाई पी जो कि सिक्के में चित
आने और ना आने की घटना को दर्शाता है का अनुपात एक हो, मतलब सिक्के में चित और पट आने की प्रायिकताएँ बराबर हैं, और ऊपर वाला उस घटना को दर्शाता है, उस स्थिति को दर्शाता है जब ये प्रायिकताएँ आपस में बराबर नहीं हैं। किसकी ज़्यादा है किसकी कम है ये हम आगे जाके देखेंगे। तो जब दोनों प्रायिकताएँ सिक्के की, सिक्का एक निष्पक्ष है, तब तो वो दूसरा पद आप देख रहे हैं, तब ये प्रायिकता का मान हो जाएगा बहुत आसान, चूँकि सिक्के के आने की प्रायिकता पी एक होगी और जीतने की तो आई बार उसको आना पड़ेगा, चूँकि हर बार में चित आ रहा है। तो अगर ए जो है, जो अगर आई इकाई ए को आने के लिए आई परिणाम हमको करने पड़ेंगे, मैंने आई बार दांव खेलना पड़ेगा ए जुआरी को, और उसके पास एक एक इकाई आई करके आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने इन सरलीकृत प्रायिकता को प्राप्त किया है, जो इच्छित प्रायिकता को एक साधारण पद के रूप में, यहाँ आई का मान अभी भी चर है, तो हम ये देखते हैं दूसरा परिसीमन प्रतिबंध जो हमने बताया था कि पी एन, जहाँ एन बताता है कि ए जुआरी कितनी आरंभिक धन के साथ खेलना शुरू करता है। अगर वो एन है तो बी जुआरी के पास कोई धन ही नहीं होगा, इसलिए वो तो हमेशा ही जीता रहेगा, तो उसकी प्रायिकता का मान एक होता है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम जानते हैं कि पूर्व में अगर हम यह श्रेणी एन पद तक जोड़ें तो उसका मान ऐसा हो जाएगा पी एन माइनस पी वन, जैसा कि आप देख रहे हैं I तक, और दाईं तरफ ये हो जाएगी जैसा कि आप देख रहे हैं Q बाई पी, पहला पद Q बाई पी पी Q भागा पी और Q भागा के भी घात दो, और यह पद चूँकि हमने n परिणाम करने हैं तो यह पद जाएगा n माइनस वन पदों तक, यह श्रेणी यह ऐसा हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ इस समीकरण में P1 की पद है और दाईं तरफ तो पूरा ही जो है P1 के संबंध में ही दिया हुआ है, तो हम अगर इस पद को दाईं तरफ ले जाएं तो यह हो जाएगा Pn, और यह श्रेणी बन जाएगी एक विशुद्ध ज्यामितीय अनुक्रम n पदों का, जिसका कि मान हम निकाल सकते हैं जैसा कि हमने अभी पिछले I के लिए निकाला था, और यह प्रायिकता हमारे प्रतिबंध से जो कि एक के बराबर होती है, तो यह प्रायिकता लिखी जा सकती है एक माइनस एक ऋण क्यू भागा पी एन, क्योंकि यह एन पदों की ज्यामिति अनुक्रम है, और एक ऋण क्यू बाई पी। तो आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ एक संख्या है, बाकी तरफ चर हैं, तो हम यहाँ से इसको इस पद को उल्टा करके P का मान निकाल सकते हैं, जैसा कि लिखा है यह श्रेणी का जो योग है ज्यामिति श्रेणी का, उसको हमने पलट दिया, और उस पलटने के वजह से उसका मान एक बटा दो या 0.5 होगा। तो यह योग इस प्रायिकता P1 का मान एक भागा n हो जाएगा, अन्यथा यह जो ज्यामिति अनुक्रम का जो हमने योग निकाला है n समय का, वो उसके बराबर का, जब जीतने की प्रायिकता बराबर या 1.5 नहीं होगी, उससे भिन्न होगी। तो हमने देखा कि हमने जैसा कि प्रतिबंध इस्तेमाल किए थे इस प्रायिकता के लिए कि क्या परिसीमन प्रतिबंध हो सकते हैं, उनकी मदद से हमने P1 का मान निकाल लिया। तो P1 का मान निकालने की वजह से अब आप देख सकते हैं यह प्रायिकता का मान ये P1 के संबंध में आया था। अब हमने P1 का मान इस समस्या और इसमें दिए हुए जो हमारी प्रायिकता का वर्णन है, जिससे कि P है प्रायिकता है चित के आने की और Q उसकी पूरक प्रायिकता है, कि उन्हीं के संबंध में ही व्यक्त कर लिया। अतः Pi को हम व्यक्त कर सकते हैं इस तरह। यहाँ पर यह पूरी तरह से प्रश्न में दिए हुए जानकारी के हिसाब से ही यह हमने ज्ञान कर लिया, चूँकि P का मान हमें पता है और Q का मान एक ऋण P होता है तो वो भी पता है, N कुल धन दोनों जुआरियों के बीच में है, और I चूँकि हम मान के चल रहे हैं कि ये प्रायिकता तब है जब A जीत रहा है, जब वो I धन से खेलना शुरू करता है। साथ में अगर
पी मैंने सिक्का जो है अगर उसमें हमेशा चिताने की प्रायिकता 1.5 या और चितो पटाने की प्रायिकता बराबर है तब तो यह प्रायिकता का मान बहुत आसान हो जाएगा, और जब यह नहीं है तो एक श्रेणी के तरह हमने के योग के संबंध में निकाला है वह यह निकल गया। तो मान लीजिए इस परिणाम को हमने समीकरण 4 से इंगित किया आगे इस्तेमाल करने के लिए। अब अगर हम ध्यान करें माने कि एक और घटनाक्रम जिसको कि हम क्यू आई इंगित कर रहे हैं, वो क्यू आई उस प्रायिकता को दर्शाता है जब जुआरी बी सारा धन जीत लेता है और जहाँ वह खेल को शुरुआत करता है एन माइनस आई इकाइयों से और ए खेलना शुरू करता है आई इकाई। तो शुरुआत तो एक ही जैसी हुई लेकिन अब हम उस घटना के बारे में ध्यान कर के सोच रहे हैं जब बी जीत जाता है इस गेम को जुआरी बी। तो अगर उस घटना को हम क्यू आई से इंगित करें तो आप समझ ही रहे होंगे कि यह घटना पूर्व में मानी हुई घटना की तरह ही है, ऐसा समरूप है, अतः इस स्थिति की भी और इस घटनाक्रम की भी प्रायिकता बी के जीतने की जबकि वह एन ऋण आई धन से खेलना शुरू करता है और ए आई धन से, लेकिन परिणाम जीत का परिणाम विभिन्न है, ए की जगह अब बी जीत रहा है, इस घटना की प्रायिकता अगर हम क्यू आई से करें तो समरूपता के कारण हम ये देख सकते हैं कि ये प्रायिकता को हम ऊपर में दिए हुए ये व्यंजक जो ए के जीतने की प्रायिकता के बारे में जो निकाला है उसमें केवल पी और क्यू को बदलकर पी को क्यू से बदलकर और आई को एन माइनस आई से बदलकर प्राप्त कर सकते हैं। तो यह चूँकि यह भी सारे परिणाम स्वतंत्र होंगे और जैसे कि हमने मान के गणना की है उन्हीं तरह से गणना कर करके हम देख सकते हैं कि ये परिणाम प्रायिकता को भी हम इस घटनाक्रम की प्रायिकता को भी इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो यह व्यंजक इसी व्यंजक में आपने जैसे देख सकते हैं Q और P को आपस में बदलकर और I और N ऋण I को आपस में बदलकर प्राप्त की गई है, जहाँ P है वहाँ Q आ गया और जहाँ I है वहाँ N। तो आप देख सकते हैं जब P या Q का मान यहाँ पे Q का मान हाफ आधा है या तो वह प्रायिकता होती है N माइनस I भागा N के, जहाँ की पूर्व में जब हम A की जीतने की बात कर रहे थे तो वह प्रायिकता निकल के आती है I भागा N के। तो अब आप मान लीजिए इस जो नई निकाली हुई घटना की प्रायिकता को अगर हम समीकरण 5 से इंगित करें तो हम ये देखते हैं कि समीकरण 4 और समीकरण 5 में जो पद हैं मैं पुनः आपको दिखाता हूँ। समीकरण 4 में जब P 1/2 है तो उस समय Q का मान, चूँकि P धन Q 1 होते हैं तो ये दोनों साथ ही एक ही तरह की घटना है, तो ये दोनों घटनाओं के अगर हम सम निकालें मैंने पी आई और क्यू आई का सम निकालें तो वह सम आप देख सकते हैं आई भागा एन धन एन माइनस आई भागा एन। तो अगर हम इसको सरलित करेंगे तो उसका मान हमें 1 मिलेगा। तो ये बताता है कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की पूरक हैं, चाहे ए जीतेगा चाहे बी जीतेगा इस खेल में। तो यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है जब सिक्के का निष्पक्ष है मतलब चितो पटाने की प्रायिकता बराबर है तो पी आई धन क्यू आई मैंने इन दो घटनाओं की परिणाम प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होगा, मतलब ये घटनाएं एक दूसरे की पूरक होंगी। लेकिन क्या होगा जब पी और क्यू बराबर नहीं है, पी ज़्यादा हो सकता है क्यू से, क्यू ज़्यादा हो सकता है पी से, लेकिन वो बराबर नहीं है। तो हमने देखा कि उस दशा में हमारी प्रायिकता जो है एक श्रेणी के योग के रूप में आई है, जो कि हम इस तरह उस क्रम में जब हम सिक्के की प्रायिकता सिक्का निष्पक्ष नहीं है और चित और पट की प्रायिकता बराबर नहीं है उस दिशा में ए के और बी के जीतने की प्रायिकता होगी जो हमने पूर्व में निकाले हुए पद में से जो श्रेणी का योग प्राप्त हुआ है उन दोनों श्रेणी के योग को हमने योग कर दिया। और फिर आप इसमें देखते हैं कि हम इसे थोड़ा और सरलीकृत कर सकते हैं अगर हम इसको इस पद को इसके जो भाजक पद को है दोनों पदों के अगर उसको थोड़ा सरलीकृत करें तो हम उसको इस तरह कर सकते हैं। तो हमने p घात n से इसे गुणा कर दिया अगर नीचे भाजक में तो उतना ही हमने अंश में भी गुणा कर दिया, यहाँ पे q घात n से ऊपर वो भाजक और अंश में गुणा कर दिया तो ये निम्न रूप से आ जाता है।
इसको हम पुनः आगे बढ़ाते हुए इन पदों को गुणित करके और गुणा करने के बाद उनको अगर अगर हम आपस में देखें तो हम देखेंगे कि ये पद आपस में जो है निरस्त करके और अंश और भाजक दोनों में समान ही पद आते हैं, अतः इनका अनुपात एक होगा। तो अतः हमने ये देखा कि यह घटना कि ए जीतेगा इस खेल में या बी जीतेगा, जुआरी बी जीतेगा, यह घटनाएं जो होती हैं कोई एक घटना ही होगी, या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यह खेल चलता रहे और ए और बी में से कोई ना जीते। तो इस का परिणाम हम ये लिख सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण जो हमने निकाला पी आई धन क्यू आई, इसका कि मान एक हमने दिखाया, सारी स्थितियों में भले सिक्का निष्पक्ष हो चाहे वह निष्पक्ष न हो, दोनों दशा में यह बताता है कि ए और बी में से कोई एक सारा धन जीत लेगा अगर वो दोनों किसी स्थिर धन के अनुपात में से खेल शुरुआत करते हैं, और खेल अनिश्चित काल तक चलने की, मतलब यह खेल कभी ख़त्म ही ना हो, कोई ना जीत पाए की संभावना शून्य होती है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है जिसका कि इस्तेमाल बहुत जगह होता है। आइए इस परिणाम को थोड़ा और सांख्यिक रूप से समझें, इसका सांख्यिक चित्रण, क्योंकि हमने इस समस्या को एक चर के रूप में किया है, तो अब हम इसको थोड़ा सांख्यिक चित्रण कर रहे हैं इसी समस्या के। मान लीजिए कि एक खेलना शुरू करता है 5 इकाइयों से और बी खेल शुरू करता है 10 इकाइयों से, तो कुल धन क्या है 15 इकाई है। तो यहाँ पे अगर हम जैसा कि हमने प्रश्न के लिए जो सूत्र निकाले हैं उसमें ए का प्रारंभिक धन आई है, तो आई का मान यहाँ 5 है, और ये 10 जो है बी जो शुरू करता है वह है एन ऋण आई, जो कि एन की संख्या यहाँ पे 15, तो 15 ऋण आई, जहाँ आई ए की आरंभिक और प्रारंभिक धन का मान होता है। तो यह ए अगर है तो ये मानते हुए कि सिक्के की जिताने की प्रायिकता 0.5 या सिक्का निष्पक्ष है, क्या होगी प्रायिकता जीतने की? तो आप जानते हैं कि पी के जीतने की प्रायिकता है क्या, वो है हमने निकाला है आई भागा एन, जहाँ आई का मान यहाँ पे 5 है और एन का मान 15 है, तो 5/15 मतलब वो प्रायिकता, मतलब पी 5 मतलब क्योंकि ए जो है 5 इकाई से खेलना शुरू करता है तो उसकी प्रायिकता 1/3 हो जाती है, तो 1/3 प्रायिकता है इस खेल में ए के सारा धन जीतने की। अब देखिए अगर सिक्का निष्पक्ष न होकर अगर सिक्के में चित आने की प्रायिकता अगर हम माने कि 0.6 है तो पट आने की प्रायिकता 0.4 होगी, तो इससे ये क्या प्रायिकता बढ़ेगी? तो आप समझ ही सकते होंगे अगर चूंकि एक को जीतना है जब चित आने पे तो अवश्यंभावी यह प्रायिकता का मान बढ़ जाएगा, लेकिन कितना बढ़ जाएगा हम देख सकते हैं कि जैसा कि हमने सूत्र निकाल रखा है पहले से ही कि अब प्रायिकता चितोपट के बराबर नहीं है या इसका मान 0.5 नहीं है, तो हम जो सूत्र निकाला था हमने एक ऋण पी भागा क्यू, तो पी भागा क्यू यहाँ पे अब 2/3 हो जाएगी, जो कि 0.4/0.3 जो कि सरलीकृत करके 2/3 होंगे, घात 5, क्यों घात 5, क्योंकि ए जो है वह 5 इकाई से शुरू करता है खेलना और इसका जो भाजक होगा वह 1 ऋण 2/3 घात कुल संख्या जो इस खेल में है इकाइयों की या धन की जो कि 15 है यहाँ पे, तो अगर हम इसको सरलीकृत करें तो वह प्रायिकता का मान 0.87 आता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रायिकता अचानक बढ़कर 0.333 से 0.87 हो जाती है, और आप यह देख सकते हैं कि यह परिणाम बहुत ही तरह की हमारे जनसाधारण हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली समस्याओं के परिणाम में इस्तेमाल किया जा सकता है। अतः यह समस्या बहुत ही प्रसिद्ध है जिसको कि मैंने पहले बताया कि जुआरी के नुकसान या उसके एक ही समस्या के नाम से विख्यात है। तो आशा है कि आज के व्याख्यान में आपने स्वतंत्र घटनाओं के स्वतंत्र होने से प्रायिकता निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हमारी प्रतिसंबंध प्रायिकता जो होती है वो
घटना किसी भी घटना की प्रतिबंध प्रायिकता उस घटना की खुद होने की प्रायिकता के बराबर हो जाती है। तो हमें प्रायिकता निकालना बहुत और इसको इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया जो कि हमारे दैनिक उपयोग में बहुत काम आती हैं।